हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों का मेरे चैनल लाइफ गोल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे तो काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोची कि सब्जी बनाने के चक्कर में रहूँगी तो 10 घंटा सोचना पड़ेगा कि सब्जी क्या बनाऊँ। तो मैं सोची कि चलो पराठा ही इजली बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा खाने में। तो मैं आटे में कलौंजी दाना, अजवाइन, नमक, रिफाइंड सब डाल करके, और ये मसाला भी मैं इधर तैयार कर ली हूँ। ये हर डो तैयार कर ली आटे का अच्छी तरह से। और फिर यहाँ मैं क्या कि धनिया पत्ता, प्याज, हरी मिर्च देख सकते हैं आप लोग, ये सब सारा कुछ उसमें पनीर में डाल के इसको मेस कर ली, अच्छी तरह से मेस कर ली ताकि पराठा में बराबर बेलने में कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। और ये सब डाली जिससे कि धनिया पत्ता से तो और स्वाद बढ़ जाता है ना, इसलिए धनिया पत्ता अब तो मुश्किल से मिलता है, फिर था घर में तो मैं डाल दी हूँ। और ये देखिए मैं कितना सारा भर भर के बनाई हूँ। मुझे नहीं बनाऊँगी तो नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी तो बहुत अच्छा से बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं चटनी की भी तैयारी कर ली हूँ, धनिया पत्ता, हरी मिर्च ये सब डाल करके, और मैं चटनी बनाऊँगी। और यहाँ देखिएगा आप, चटनी में मैं दही भी डाली हूँ, नमक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा सा मैं चीनी भी डाली हूँ, बहुत नाम के लिए बस। और यहाँ चटनी मेरा इतना अच्छा बन के तैयार हो गया। तो ये सब चीज़ें तो आती सभी को है, ये दिखाना ये नहीं था कि आप लोग इस तरह से बनाइए, ये तो आप YouTube पे देख ही लीजिएगा, ये आप लोग को आता भी होगा, सबको आता है। बट ये होता है ना कि हमारे दिमाग से उतर जाता है। आज सुबह से ही मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ जो इजली बन जाए और काम भी मेरा कोई रुके नहीं, काम भी हो जाए और खाना भी अच्छा हो जाए। तो अब सब्जी के चक्कर में होती तो और मेरा दिमाग खराब होता, तो एकदम इजली बन गया चटनी और ब्रेड पराठा। तो देखिए मैं किसी का शॉर्ट्स में देखी तो मेरा भी मूड बन गया कि आज ये खाया जाए। और यहाँ देख सकते हैं कि मेरा चटनी कितना अच्छा बना है ना। और ये देखो इतना भर दी थी कि ना बेलने में बन रहा था और ना पकाने में बन रहा था, पूरा फट फट जा रहा था, इतना भरी हुई थी। अगर कुछ भी बनाओ ना अच्छी तरह से ना बनाओ तो फिर क्या फ़ायदा है। और बहुत देखिए देख सकते हैं आप, पूरा निकल गया था, बेलने में भी मुझे नानी याद आ गई है। और बट लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, धनिया पत्ता वगैरह के कारण बहुत अच्छा इसका टेस्ट बना था। और मैं बनाई भी थी बहुत शौक से, खाना भी दो ही को है ना।